तो अभी मम्मी यहाँ पे सारे जितने भी पौधे हैं ना, इनमें पानी डाल रही है। ठीक ना, एक तो वहाँ पे भी पूरी बेल आ गई है ये तो, और ये वाले ये वाली तुलसी है, और यहाँ पे ये पेड़ है। पर एक ये पेड़ एक नुकसान देता है ये वाला मम्मी, जो ये बड़े वाला है। बताओ किस चीज़ में? गंदगी नहीं, जो हम पतंग उड़ाते हैं हमारी पतंग अटक जाती है। देखो हमारा घर वहाँ पे है ना, तो ये वाला पेड़ बहुत ऊंचा हो रखा है, तो जैसे सामने की हवा होती है जब पतंग उड़ाते ना, तो पतंग उड़ नहीं पाती, इसमें अटक जाती है हमारी। बस ये नुकसान देता है ये, वरना तो और कोई दिक्कत नहीं। पर ये मौसम के हिसाब से है ना, चेंज होता रहता है, मतलब कभी पत्ते चले जाते हैं जब छोटा हो जाता है ना। अब जैसे वो चल रहा है ना, अब सर्दी आ गई तो इसके पत्ते आ गए हैं, फिर गर्मियों में सारा झड़ जाएगा फिर ऐसे। तो अभी बस हम जाते हैं शॉप पे। हाँ यहाँ तो लगा रखी है तुलसी, और जो हमने दुकान के बाहर तुलसी लगाई थी वो कोई चुरा के ले गया भाई। बताओ पेड़ भी चुराने की चीज़ है क्या? चलो मैं जाता हूँ फिर दुकान पे, दुकान खोलता हूँ। सही, हम तो पापा को छोड़ने गया मोदीपुरम तक, अभी वो ऑफिस जाएगा फिर बाद में आएगा। क्या हाल है जी? तो फाइनली अभी बारिश आ चुकी है, ये देखना। ओहो ऐसा लग रहा है जैसे भाई वो गंगा जल ऊपर से मतलब गिर रहा है। बारिश आने का नाम ही नहीं ले रही है भाई, बारिश ही नहीं है इस वाले मानसून में, तो बारिश ही नहीं आई भाई कभी भी। मेरे को तो लग रहा है कि पहली बारिश ही मैंने देखी है। चलो थोड़ी बहुत रिलीफ मिली है कि बारिश आ चुकी है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ये देखना। अब आइए, थैंक यू भगवान जी बारिश लाने के लिए। ओहो वरना तो गर्मी ने भाई क्या हाल कर रखा था, बहुत बुरा हाल कर रखा था गर्मी ने। भीगते हुए जा रहे हैं सब, आ जाओ आ जाओ। पूरी तेज पड़नी चाहिए, कम से कम 2-3 दिन तक लगातार पड़नी चाहिए अब तो बारिश, जब जाके कुछ मजा सा आएगा। कहाँ घूम रहे हो तुम बारिश में सोम भाई? भाई तुम्हारे लिए बारिश छोड़ भाई। मैं बारिश तो भाई आ ही नहीं रही थी, तुमसे बताना है भाई बारिश कच्छ में घूम रहा है। अब तो कम हो गई वैसे थोड़ी सी, पड़ तो रही है थोड़ी बहुत। तो भाई नालियों में पानी भर गया पूरा तुम्हारे गली में। ये वाली नाली जब तो सही है, इनमें पानी भरता नहीं है, नई बनी ना सड़क। हमारा तो पूरा स्विमिंग पूल हो रहा है, पतंग वतंग नहीं उड़ रही क्या? पतंग उड़ाई थी ना तुमने अभी? वो ब्लॉग देखा था मैंने, उड़ाई थी। सही है, मजा आ गया में। उड़ाएंगे यार अभी थोड़ा सा है ना, दिवाली चली जाती फिर उड़ेगी। एक पतंग से पतंग मार जाओ तुम अपने मोहल्ले के। मोहल्ले के वाले का रखे तो उन्हें एक पतंग दी थी। हैं? मैंने उड़ा लो भैया। तो अभी भाई यहाँ हो गई है बाइक खराब, तो यहाँ पे ठीक कर रहे हैं अभी। तो इसके पीछे वाले टायर में ना हवा लीक हो रही है, तो यहीं पे अभी कुछ जुगाड़बाजी करके ना अंदर कचरा घुस रहा है सारी बाइक के, तो कचरा वचरा घुस गया इसके, वो ठीक करवा रहे हैं। आगे वाला टायर तो सही है, पीछे वाले में दिक्कत है, इसकी हवा निकलती रहती है ना, तो बस ठीक हो जाए। मैं भी दादी खड़ा हूँ, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, अब तो पूरे दिन ही बारिश होगी मेरे तो ऐसा लग रहा है। ठंडी मौसम आ गया ठंड का, सही है भाई बारिश पड़ते रहे, पहली पहली बारिश है मानसून की। अरे चश्मा लगा के आया था बिल्कुल एकदम है, ऐसे करके। हाँ सलमान खान वाला ये वगैरह के दिखा, सलमान खान की तरह नाक में कुछ रहता है उसका, हटता नहीं है वो, तो मौसम सेक्सी हो गया है, मजा आ गया पूरा। मैं तो पहली बार ही देख, टेक्सास की कमीज पहनना भाई, टेक्सास अमेरिका दो लाया था वहां से मसूरी का, एक मेले लाया गाइस। हां आज घूमने चलने के जहां तक चाय वाय पीते हैं, तो भी लाएगा फोन का इधर आ गया, फोन नहीं आया। क्या कह रहा? कह रहा कि हाँ कर रहा हूँ। वो तो कल कह रहा था कल मिल जाएगा, है पागल बना रहा है। अच्छा हुआ हम कल नहीं गए, कल हम सोच रहे थे कि बैंक जाके फिर वापस जाएं, फिर हम घर ही आ गए, तो मेरे को लग ही रहा था भाई वो करने का ही नहीं। आज आज भी कह रहा था तो कोर्ट में गए हूं। आज भी तो रात तक कर भूल जाओ तो 3-4 दिन तो रास्ते दे नहीं है, बिना ठीक हुए तो ठीक हो गए तो अभी चलते हैं, एक आधी थोड़ी सी राइड मार के आते हैं। आ जाओ, और पिंचर ठीक करवाए पीछे, पहन तो इतनी मोटी इतनी बड़ी गिल थी, इतनी बड़ी है नहीं कुछ, मैं खुद इससे मांगने आया हूँ, मैंने पैसे दे दे। वो इतनी मोटी कील निकली है भाई इसमें पीछे, 30 रुपए का पंचर, 40 रुपए का पंचर है, महंगा हो गया भाई। जवाना फूला फूला
भाई इतनी हवा भर रही है उसमें बरसाती बन के जा रहा है। किधर चले, इधर या इधर? चप्पल वहीं उतार दो बस, चप्पल मेरे तो जूते में पाए नहीं। हाँ तेरे तो वो लग रहे हैं हीरे के जूते हैं तेरे। अरे भैया बारिश पड़ रही है यार देखो। हाँ कहाँ से आ रहे हो? आईफोन ले लिया। दिखाइयो आईफोन। तो दावत देने आया तू आज? दिखाइयो आईफोन। आईफोन ऐसा है, अब पता तुम्हें क्या हो रहा है? दिखा तो दे। पहले एक बात तो बता दूं। हाँ। मैं पहले लड़कियां आईफोन देखती हैं। अच्छा तो अब ये है ना एप्पल का लोगो। तो इसे एक काम करना, इसे मथे पे बोल लगवा लेना। टैटू बनवा ले मथे पे एप्पल का ही वो लेना है टी-शर्ट। अच्छा सब एप्पल भैया। तो तूने ये लिया आईफोन है? क्या कह रही थी? एक लड़की बोल रही थी कि मतलब कि आईफोन ले वो पहले जब सेटिंग। हाँ जब सेटिंग करेगी। है एप्पल से डर के ये देखो सैयम के पास भी एप्पल दिख गई। सैयम ले ले जो है एप्पल। अरे ये भाई सैयम भाई भी एप्पल बजना कर लिया। ये कौन सा है? 6 है 8 है। तो दावत देने आया तू आज? दावत दे देंगे यार कैसी बात। आईफोन 8 है नया आईफोन। अब लड़की पड़ जाएगी। पड़ गई। सुन तो ले एक काम कर, टैटू बनवा ले एप्पल का। टैटू की जरूरत क्या यार? क्या पड़ गई लड़की? अबे स्कूटी तो बंद कर दे, पेट्रोल महंगा हो रहा है मेरे भाई। कोई बात नहीं भाई, रोशनी है भाई। लग बंद कर स्कूटी, चल ज्यादा खुशी हो रही है तुझे है एप्पल। बिल्कुल भाई सर, गुरुजी पैर छू लेगा आपके। अभी 14 आया है ना? हाँ अभी 14 भी लिया। 14 लेगा एक्सेस इसको दिलवाना है, इसमें ऊपर नीचे कैमरा है। हाँ। क्या खिला रहा है मंदीप? अब बता, नई आईफोन की दावत है तो अभी मंदीप दे रहा नई आईफोन की पार्टी। क्या क्या खिलाएगा? चाउमीन, बर्गर, मोमोज, चिली पोटैटो, स्प्रिंग रोल। सब चीज खा लोगे? एक चीज खिलवा दे बस। सब चीज से तेरी उम्मीद नहीं क्या रहे? वो की बात कर रहे हो ना? चाउमीन बन रही है क्या? बन रही है, बन रही है। भैया एक बार हाई कर दो, कैमरा चल रहा है। ग्लो कर हम लोग। अबे इतना मत बोल ले कर तू। ठीक है बना दे भैया को। हाँ सही है। तो अभी गाइस चाउमीन वाउमीन खाते हैं। तू तो पहली खा ली ना? मैं कभी खाऊंगा। मैं अभी घर पे गया, मैं सोचा कि चाय वाय पकौड़ी बनवाऊंगा मम्मी से। मम्मी घर पे ही नहीं है। वो भाई बहुत देर हो गई वीडियो देखता रहा। अब जाके वापस आया फिर चाउमीन लेके जाऊंगा, तो चाउमीन खाएंगे। वो बोल भी नहीं रही हो अंदर से है तो बोलो तो कुछ तो जवाब दो। गेट वेट लगा रखा है, लाइट भी अब जलाई है, ठंड आ गई है मम्मी है ना। गर्मी होने रही थी क्या? और तुम कहाँ गई थी? मैं घर पे आया था, भूख लग रही है, फोन कर रहा हूँ मैं। अच्छा तो अभी गाइस बाइक अंदर कर देते हैं एक बार, अभी घर पे आया जस्ट। तो अभी पैसे मिल चुके हैं मम्मी, डॉक्टर अंकल जी ने दिए पैसे। पैसा पैसा करती है तू पैसे। लाइट महंगी हो गई आज। कैसे? अखबार में दे रखा है, हाँ, है? 30 पैसे यूनिट बढ़ा दे। अच्छा बिजली का बिल महंगा हो गया है? हाँ, वैसी लाइट थोड़ी हुई है महंगी। तो बिजली का बिल महंगा होगा। 30 तो भी पैसा आ गए। बर्थडे आने वाला है मेरा। गोप्रो गोप्रो 11 आ गए मम्मी। गोप्रो 11 कल लॉन्च हुआ 14 सितंबर को। आज मैं देख रहा पूरे दिन भाई गोप्रो की वीडियो देखी मैंने। अभी इंडिया में नहीं आया, इंडिया में कम से कम 10 दिन लगेंगे, 10 से 15 दिन। तो 51,000 का है GoPro Hero 11। तो उसमें 2-3 वेरिएंट निकाले उन्होंने, एक GoPro फिर मिनी और एक और है। तो मैं जाऊंगा दिल्ली, बात बात करी थी आज मैंने। तो मैंने भैया कब आ रहा है, कह रहा भैया 10 दिन लगेंगे। तो बर्थडे तो 15 दिन है। हाँ तो बर्थडे तक ले लेंगे। 50,000 का बता रहे हैं तो सस्ता तो है। 50,000 का तो GoPro Hero 10 ही आ रहा था और 11 भी 50,000 का आ रहा है। तो मे भी हो सकता है कि जो पुरानी सीरीज है उसके पैसे गिर जाए, तो नए वाला लेंगे। वो मम्मी दिलाई थी बर्थडे पे गिफ्ट। ना मत कर, तुम मेरी मम्मी ना मम्मी। तो मम्मी को थोड़ा सा पटाना पड़ेगा और फिर गोपुर हो जाएगा। तो अभी गाइस ये छोटा सब लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टीवी भी देखते हैं, बहुत दिन हो गया टीवी देखे हुए भी ना। तो आप अपना ख्याल रखिए, हम भी अपना ख्याल रखते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए जो भी चैनल पे नए आ रहे हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना। और जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में। जब तक के लिए टाटा गुड नाइट, टेक केयर, पीस आउट गाइस। तुम्हारे सीरियल आ रहे हैं।